तो आज हम बात करने वाले हैं तेलुगु सिनेमा इंडस्ट्री मूवी घोस्ट के बारे में। हाल ही में घोस्ट मूवी सिनेमा घरों में रिलीज हुई है, तो घोस्ट मूवी अपने 4 दिनों में कितने का कलेक्शन कर रही है और कौन कौन से एक्टर्स इस मूवी में काम किए हैं, तो वही बात कर लेते हैं इस मूवी कौन कौन से एक्टर और एक्ट्रेस देखने को मिले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस मूवी में मेन लीड एक्टर शिवा राजकुमार और मेन लीड एक्ट्रेस हैं अर्चना जोशी। वहीं इस मूवी में अनुपम खेर और जयराम जैसे एक्टर देखने को मिले हैं। तो अब वहीं बात कर लेते हैं इस मूवी को कितने स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया है। इस मूवी को इंडिया में 2000 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया है, वहीं ओवरसीज में इस मूवी को 100 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया। वैसे में इस मूवी का टोटल स्क्रीन्स होता है 2100 स्क्रीन्स और इस मूवी को टोटल 2100 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया है। तो अब वहीं बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। तो यह मूवी सिर्फ 15 करोड़ के बजट में बनाई गई है। तो ही बात करते हैं इस मूवी के पहले दिन के कलेक्शन के बारे में कि आखिर इस मूवी ने अपने पहले दिन में कितने का कलेक्शन किया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस मूवी ने अपने पहले दिन लगभग 1,40,00,000 रुपए का कलेक्शन इंडिया नेट कलेक्शन किया था। वहीं इस मूवी ने अपने दूसरे दिन 1,10,00,000 रुपए का कलेक्शन किया था। वहीं बात कर लेते हैं इसके तीसरे दिन के कलेक्शन के बारे में कि आखिर इस मूवी ने अपने तीसरे दिन कितने का कलेक्शन किया था। तो दोस्तों मैं आपको बताते चलो, यह मूवी अपने तीसरे दिन लगभग 1,25,00,000 रुपए का कलेक्शन करती हुई नजर आई थी। वहीं इस मूवी के चौथे दिन में थोड़ा ग्रोथ दिखाती हुई नजर आई थी और यह मूवी अपने चौथे दिन लगभग 1.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन करती हुई नजर आई। वहीं इस मूवी का टोटल इंडियन नेट कलेक्शन 5 करोड़ रुपए हो चुका है और इस मूवी का इंडियन ग्रॉस कलेक्शन 6 करोड़ रुपए हो चुका है और वहीं इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन लगभग 8 करोड़ का किया है। ऐसे में इस मूवी को हिट होने के लिए सिर्फ 30 करोड़ रुपए का कलेक्शन करना है, क्योंकि इस मूवी को बनाने में सिर्फ 15 करोड़ रुपए का बजट लगा था। तो क्या यह मूवी 15 करोड़ के आंकड़े को पार कर पाएगी या फिर नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।